Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं हूँ आपके साथ सुमेरा यासिर। सर्दियाँ आ गई हैं, शहर में हल्की फुल्की बारिश ने भी ठंड में इजाफा कर दिया है। अब सर्दियाँ हो, बारिश भी हो और ऐसी ठंडक में गर्मा गर्म कश्मीरी चाय ना हो तो अजीब सी कमी महसूस होती है। तो चलें इस ठंडे ठंडे मौसम को गर्मा गर्म कश्मीरी चाय बनाकर यादगार बनाते हैं। आज मैं आपको कश्मीरी चाय बनाने के लिए बहुत ही आसान मगर बहुत ही खास तरकीब बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये चाय कितनी आसानी से बन जाती है ये मंजर देखने के लिए वक्त आए के बगैर चलते हैं फौरन अपने किचन की तरफ। चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ग्रीन टी, बादाम, चीनी, मीठा सोडा, हरी इलायची का पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर, दो लौंगें और चुटकी भर नमक चाहिए। और सबसे पहले हमें बनानी है इसका कहवा बनाना है। कहवा बनाने के लिए जो हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी ये दो स्टेप में बनती है। पहला स्टेप तो होगा इसका कहवा बनेगा और फिर दूसरा स्टेप होगा जिसमें दूध शामिल होगा। तो चलते हैं, पहले मैं आपको पहला स्टेप बताती हूँ। चलें अब हमें ना अपने कहवा स्टार्ट करते हैं बनाने। और बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया तकरीबन 4-5 कप पानी, ठंडा पानी लिया है। और ये देखें, 1, 2 और ये 3, मैंने इसमें 3 चमचे डाले हैं ग्रीन टी के, ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिलाकर और इसको बॉयल आने तक इसको पकाते हैं। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि इसके अंदर फिर हमें क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये देखिए हमारी चाय के अंदर उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी मीठा सोडा और इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक। दो अदद लौंगें ये देखिए अच्छी तरीके से इसमें उबाल आ चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई इलायची का पाउडर, ये जायफल और जावित्री का पाउडर। आप ये देख रहे हैं कलर कितना अच्छा सा पिंक पिंक होना शुरू हो गया। ये देखें झाग आपको नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल बेबी पिंक कलर हो जाएगा चाय का। देखें कहवे का कलर हल्का हल्का पिंक होता जा रहा है। ये देखिए चाय पक पक के तकरीबन 1 कप कम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे, अगर आपके पास क्यूब्स रखे हुए तो आप क्यूब्स इसमें ऐड कर दें, या अगर आपके पास ठंडा या पानी मौजूद है बर्फ का फ्रिज का ठंडा पानी फुल या होना चाहिए तो उसमें तकरीबन 1 गिलास करीब पानी ऐड करें। ये देखिए इसमें हल्का हल्का पिंक कलर आना शुरू हो चुका है कहवे के अंदर। ये देखिए आपको साइड कॉर्नर देख रहे हैं पिंक पिंक हो रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक बार बताऊँ, इसके अंदर 2 काम बहुत अहम होते हैं, इसको अच्छे तरीके से फेंटना और दूसरा काम ये कि इसके अंदर ठंडा पानी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ठंडे पानी से क्या होता है कि इसका जो कलर होता है ना वो ग्रीन के बजाय पिंक शेड देता है। और इसको दूसरा स्टेप जो होता है वो सबसे अहम स्टेप है कि इसको अच्छी तरीके से इस तरह से फेंटना है। इस तरह से जितना आप ज़्यादा फेंटेंगे ना ये उतना कलर इसका, ये देखें जितना आप इसको फेंटेंगे ना उतना अच्छा इसका पिंक कलर आएगा। ठंडा पानी डाला ही इसलिए जाता है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। तो देखिए हमारा कहवा बनके तैयार हो चुका है, इसका कलर देखिए कितना पिंक पिंक सा महसूस हो रहा होगा आपको। अब हम इसको एक जगह छान लेंगे, किसी जार के अंदर हम इसको छानेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप फिर बताऊंगी। देखिए अब हम इसको एक जग के अंदर छान लेंगे सारे कहवे को, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे इनके दूध जब डालते हैं तो किस तरह से दूध डालते हैं इसके अंदर, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारा दूध है ना अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, ठीक है। मैं तकरीबन बना रही हूँ 4 कप
तो चार कप में जितनी आप लोग चीनी यूज़ कर सकते हैं करते हैं, आप उतनी उसमें चीनी डाल दें, दो, और ये ढाई चम्मच। मैंने ढाई चम्मच इसके अंदर चार कपों के अंदर चीनी डाली है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम यूज़ करते हैं तो आप इसमें से चीनी कम कर सकते हैं। ये देखिए हमारा दूध बॉयल हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे कहवा। अब जितना हमें पिंक कलर चाहिए हम सिर्फ कहवा उसमें उतना ही ऐड करेंगे। ये देखिए अगर आप इसे डार्क करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा और कहवा ऐड करते हैं। और ये जैसा कहवा होता है ना, अगर ये बच जाए तो ये तकरीबन 15 दिन तक स्टोर भी हो सकता है, यानी कि आप फ्रिज में रखते हैं और उसको वक्फे वक्फे जब आपको दिल चाहे तो उसको बना के पी सकते हैं। ये देखें जितना मुझे कलर चाहिए होगा मैं उसको इतना डार्क कर लूँगी। ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी। ये देखें हमारी चाय बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। इसमें बादाम है, पिस्ता है, इसमें बादाम है, पिस्ते हैं और खोपरा है, इसमें अखरोट है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं साथ ऐड करूंगी। ये देखें इसका मज़ा इतना दोबाला हो जाएगा ना, इसका चार गुना ज़्यादा मज़ा हो जाएगा। ये देखें इतनी गाढ़ी चाय है और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हमने। इसका कलर आप हल्का और तेज़ भी कर सकते हैं। जो लोग इसका कलर हल्का पसंद करते हैं वो हल्का कर लें कहवा डालकर, और अगर जिसको थोड़ा ज़्यादा कलर लेकर आना है तो वो उसमें कहवा जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। लेकिन ये जब ये डार्क कलर में बनाएंगे ना आप चाय, तो उससे जो है ना इसका चाय का लुक ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसका कलर जो ओरिजिनल कलर होता है ना वो यही कलर होता है। अब मैं इसको एक कप में सर्व करूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें इसका कितना लाइट बेबी पिंक कलर आया है इसका अच्छा सा। अब हम इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। ये थोड़ा सा बादाम लिए हमने, बादाम डाले और ये थोड़े से पिस्ते ऐड किए हमने इसके अंदर। ये देखिए ये कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये धुआंधार कश्मीरी चाय तैयार हो चुकी है। वैसे एक बात बताऊं, कश्मीरी चाय से आगे जहां और भी हैं, यानी अब मैं आपके लिए कश्मीरी चाय से भी 10 हाथ आगे बेहतरीन मशरूब लेकर आ रही हूँ, इससे पहले कि आपकी वीडियो मिस हो जाए। लिहाजा फौरन आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपना बहुत अच्छा सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।